कमलनाथ आईफा अवार्ड का रहे हैं, बंबई की अभिनेत्री ला रहे हैं, ये इनके कर्म है। हम बेन बेटे की पूजा करना जानते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। कभी ये दिग्विजय सिंह बेन बेटे के लिए कितना गंदा शब्द उपयोग करते हैं, बोलते शर्म आई। इनको बेन बेटे के बजाय इनके आप में भोग विलास की देवी दिखती है, ये दुर्भाग्य कांग्रेस। एमपी में मिशन 29 यानी लोकसभा की 29 सीटों पर होने वाले चुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। इसी बीच एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति के बहाने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ग्वालियर में हुए महिला सम्मेलन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों के दिलों में महिलाओं के लिए कभी मान सम्मान नहीं रहा। कमलनाथ आईफा अवार्ड में मुंबई की अभिनेत्री को ला रहे थे। दिग्विजय सिंह बहन बेटी के लिए गंदा शब्द का उपयोग करते हैं, बहन बेटी के बजाय इनको अपने भोग विलास की देवी दिखती है। और तो हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत सरकारी स्तर पर अपनी बहन बेटी की, अपनी बहन की कन्याओं के पूजन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। कांग्रेस के लोग कह रहे ये कर्मकांड काय के लिए लिया है, सरकार में इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि तुम तो बोलोगे ही सही, तुम्हारे कौन से नेता ये गंदी भाषा नहीं बोलते। मैं तो वो शब्द बोलूं तो पाप लगेगा। कमलनाथ आईफा अवार्ड का रहे हैं, बंबई की अभिनेत्री ला रहे हैं, ये इनके कर्म है। हम बेन बेटी की पूजा करना जानते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। कभी ये दिग्विजय सिंह बेन बेटी के लिए कितना गंदा शब्द उपयोग करते हैं, बोलते शर्म आई। इनको बेन बेटी के बजाय इनके अपने भोग विलास की देवी दिखती है, ये दुर्भाग्य कांग्रेस। इतना ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बहन बेटियों के सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है। शौचालय निर्माण से लेकर उज्ज्वला योजना के जरिए हर घर गैस सिलेंडर देने का काम किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर हमने महिलाओं को टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर। ये कांग्रेस महिलाओं को कुछ नहीं दे सकती। अभी हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर भी 29 लोकसभा में भी 6 बहनों को टिकट अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये अधिकार आपको दिया। और कांग्रेस ने कितना दिया है? 1। कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं, झूठ बोल के वोट लेना। पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का अगर किसी का प्रयास लिया तो नरेंद्र मोदी जी का रहेगा, मुझे इस बात का गर्व है। जोरदार ताली बजाओ, हमारी अपनी आदिवासी अंचल की बहन बेटी जो भी बन सकती है। सेना के अंदर सारे बड़ों पदों तक जाने का मौका किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा चुनाव के पहले सीएम मोहन के तीखे तेवर और बीजेपी की नारी शक्ति सम्मेलनों के जरिए आधी आबादी को अपने तरफ करने की ये कवायद है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का आधी आबादी को जोड़ने का ये प्लान कितना कामयाब होगा और बीजेपी के इस प्लान का जवाब कांग्रेस कैसे देती है, ये देखना भी अहम होगा। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।